बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो वो बिना ईमेल आईडी के ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, या आपको पता होगा अगर किसी चीज़ को बनाया जाए तो बिना भरोसे के ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो ईमेल आईडी भी कुछ इस तरह से काम करता है स्मार्टफोन के लिए। तो ईमेल आईडी स्मार्टफोन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए तो पहले आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उस ब्राउज़र में जाके लिखिए जीमेल। जीमेल लिखने के बाद सर्च कीजिए, उसके बाद देखिए एक पेज खुला है यहाँ पर। इस पेज में जाकर आपको करना है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। तो गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ सब स्मॉल लेटर में डालना है। देखिए स्मॉल लेटर में सब डालिए और फिर आपको अपना यूज़र नेम चूज़ करना है जिस नाम से आप अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, उस नाम को चूज़ कीजिए। और देखिए एक सजेशन आया, हमने उसी को कर दिया। और अब आपको एक पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड चूज़ करना है। ये देखिए पासवर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, पासवर्ड टू शॉर्ट, मतलब ये वीक पासवर्ड है। तो आपका जब ये घर पूरा हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रांग पासवर्ड है, ऐसा पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है, वो भी 8 कैरेक्टर्स का। तो हम यहाँ अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। देखिए पासवर्ड यहाँ स्ट्रांग दिखा रहा है। अब पासवर्ड को आपको कंफर्म भी करना होगा। आप ऐसा पासवर्ड मत डालिए जो आपको याद ना रहे और जो आप कंफर्म ना कर पाए। उसके बाद आपको अपना DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। पहले तो मंथ सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डे अपना टाइप करके डालिए, उसके बाद ईयर डालिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना होगा, आप मेल है फीमेल है जो भी है आप उसे डाल दीजिए। उसके बाद अपना करंट मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर में एक OTP कोड आएगा, उसी कोड से आपका ईमेल एड्रेस बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्यों चे? ओ योर करंट ईमेल एड्रेस इतना ही था। देखिए अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। ये तो फ्रेंड्स पहले मेरा इस नाम से और इस मोबाइल नंबर से एक और ईमेल एड्रेस है, इसलिए हो नहीं रहा। तो अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस बनाना हो तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, अपने मोबाइल से हो या PC से हो, आप किसी से बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।